हेलो हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड ऑल। कैसे हो सब? मैं क्रिश, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका देसी की डाइस, आप सबके फेवरेट चैनल क्रिश देसी की डाइस में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता कैसे हूँ हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब प्रभु की दया से बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को नागपुरी स्ट्रमिंग पैटर्न सिखाने वाला हूँ। बहुत सारा इस लेसन के लिए डिमांड आया था कि मुझे स्ट्रमिंग पैटर्न सिखाइए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को नागपुरी स्ट्रमिंग पैटर्न सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप स्ट्रमिंग पैटर्न सीखना चाहते हो तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, आप जरूर से नागपुरी स्ट्रमिंग पैटर्न सीख पाएंगे। ठीक है, और हाँ, जरूर से अपने भाई को इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कीजिए, आप लोग फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम में। ठीक है, और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। और आप लोग बहुत सारे सॉन्ग के रिक्वेस्ट मुझे भेजते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिमांड रहते हैं कि इस पर लेसन बनाइए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबका बहुत सारे सॉन्ग का मैं गिटार लेसन बना सकूँ। ठीक है, मैं बिजी रहता हूँ लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों का जो भी फरमाइश उसे मैं पूरा कर सकूँ। भाई किसी तरह सपोर्ट करें, मैं आने वाले समय में बहुत सारे गिटार लेसन आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम नागपुरी स्ट्रमिंग पैटर्न सीखते हैं। आइए हम लोग नागपुरी स्ट्रमिंग पैटर्न सीखेंगे। सबसे पहला स्ट्रमिंग पैटर्न जो आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है डाउन चक डाउन अप चक, डाउन चक डाउन अप चक। ठीक है, इस तरह से डाउन चक डाउन अप चक, 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 डाउन चक डाउन अप चक। ठीक है, इस स्ट्रमिंग पैटर्न को कैसे बजाना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको डाउन चक डाउन अप चक, ठीक है, इस तरह से बजाना है, डाउन चक डाउन अप चक। स्लोली आप लोग प्ले कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, ठीक है, किस तरह से बजाना है आप स्लोली इसको प्ले कीजिएगा। धीरे धीरे जब आप हैबिट हो जाइएगा, ठीक है, तो आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न का स्पीड आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से, डाउन चक डाउन अप चक, डाउन चक डाउन अप चक। चक कैसे कीजिएगा, ये जो पाम है इससे आप चेक कीजिएगा, जैसे डाउन चक डाउन चक डाउन चक डाउन चक डाउन अप चक। इस पाम से आप लोग ये जो गिटार का जो स्ट्रिंग है उसे ऐसे चेक कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पहला स्ट्रमिंग पैटर्न आप लोगों ने सीख लिया होगा। एक सॉन्ग इस स्ट्रमिंग पैटर्न में हम लोग आओ प्रभु मोर जीवन में स्ट्रमिंग पैटर्न नंबर 2। डाउन 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 अप डाउन 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 डाउन। इस स्ट्रमिंग पैटर्न को कैसे बजाना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को स्लोली प्ले करना है, डाउन 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 अप डाउन 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 down 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 up down 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 up down 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 up down down। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये स्ट्रमिंग पैटर्न आप लोगों ने सीख लिया होगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं सीख पाए तो बार बार वीडियो को देखिए, स्लोली प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न का स्पीड बढ़ा सकते हैं इस तरह से। आइए इस स्ट्रमिंग पैटर्न पे एक सॉन्ग सुनते हैं। जीवन रूपी मोर गंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे, हिले ना डोले ना डर लगे ना, प्रभु तो लेके चला, हिले ना डोले ना डर लगे ना, प्रभु तो लेके चला। आइए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न सीखते हैं, स्ट्रमिंग पैटर्न नंबर 3। ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न है ये कुछ इस प्रकार से है, जीवन
स्ट्रमिंग पैटर्न मेरा फेवरेट स्ट्रमिंग पैटर्न है और ये स्ट्रमिंग पैटर्न मैंने खुद से ही बनाया है, ठीक है। तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न आप लोग जरूर से सीखिए, ये स्ट्रमिंग पैटर्न को आप सभी नागपुरी सॉन्ग में आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न को यूज कर सकते, ठीक है। ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न मैं बता देता हूँ आपको, ये है डाउन अप अप डाउन अप डाउन 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 अप अप डाउन अप डाउन डाउन, इस तरह से डाउन अप अप डाउन अप डाउन 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 अप अप डाउन अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन डाउन, ठीक है। इस स्ट्रमिंग पैटर्न को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जरूर से, ठीक है। और आप लोग बार बार वीडियो को देखिए, स्लोली प्ले कीजिए और उसके बाद आप स्पीड बढ़ाइए कुछ इस प्रकार से। उड़ी चली जाबो दैया हरे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दैया हरे, एको दिना उड़ी चली जाबो दैया हरे सुंदर काया माटी में मिल जाबो दैया हरे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह स्ट्रमिंग पैटर्न का गिटार लेसन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और बढ़िया गिटार लेसन प्रभु की महिमा के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो जरूर से मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हाँ जरूर से सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह बढ़िया और अच्छे अच्छे गिटार लेसन आप लोगों के लिए लाते रहूँ, ठीक है। और आप लोग मुझे जरूर से इंस्टाग्राम में फॉलो करें और हम आप लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में सबका मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मैसेज करें, मैं जरूर से वहाँ पर आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँ। बहुत सारे लोग गिटार भी सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर आप लोगों को कोड बताने की और आप लोगों को गिटार सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप अपने बेसिक गिटार स्किल्स को अलविदा कहें, मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन गिटार लेसन के साथ जरूर से आऊँगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।